अभी आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हर देश से कुछ ना कुछ खुशखबरी मिल रही है और दवाई यानी कि वैक्सीन या टीका बनाने की बात की जा रही है। और कई दवाइयाँ ऐसी भी हो चुकी हैं जो फाइनल फेज में भी पहुँच चुकी हैं। तो एक तरह से आप कहिए कि एक खुशखबरी बहुत जल्दी ही मिलने वाली है। हमारे देश की भी कई दवाई ऐसी हैं जो सेकेंड स्टेज में पहुँच चुकी है। और ये स्टेज क्या होता है, कितने चरणों में होती है, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके थे एक आर्टिकल में। ठीक है, एक बात और आपको याद रहनी चाहिए, लेकिन हमारे देश की आपने देखा है कोरोना महामारी आने से हमारे देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत थी, जो सरकार की हालत थी, जो खाद्यान्न या कृषि की हालत थी, जो गरीबों की हालत थी, वो एक तरह से उजागर आप शाम की सबके सामने है। आप ही नहीं, दुनिया जग जाहिर है एक तरह से इस समस्या से, मतलब भारत की स्थिति देख रहा है। समझ रहे हैं आप लोग, एक रामायण में आपने देखा होगा वैसे, जो अभी नए जो एपिसोड आए हुए हैं, यही जो फाइनल है, उसमें आपने देखा होगा कि रावण और कुंभकर्ण, तो कुंभकर्ण ने एक बात कहता है कि आंख बंद कर लेने से सूर्य का लोप नहीं हो जाएगा। कहने का मतलब कि हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो सूर्य भगवान डूब नहीं जाएंगे। तो यही सत्य है कि सत्य से अगर हम लोग आंखें मोड़ लेते हैं तो सत्य खत्म नहीं हो जाएगा। मैंने कहा आज ही कल परसों की बात है, आपने देखा है प्रधानमंत्री साहब ने मन की बात की है, उसमें आपने देखा है कि लाइक से ज्यादा कई गुना ज्यादा आपके डिसलाइक मिले हुए हैं। तो उस पर पूरी किसी कई बच्चों ने कहा कि क्यों मिले हुए हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने पूरा एक तरह से एनालिसिस किया, आपको बताया कि ये प्रॉब्लम है। प्रधानमंत्री की बुराई मैंने कभी नहीं की, समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री का मेरा कहने का मतलब, देखिए प्रधानमंत्री साहब ने बहुत कुछ किया हमारे देश के लिए। और अभी हम ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का विकल्प हमारे सामने अभी तो नहीं है, देखिए आगे आने वाली बात क्या होगी वो आने वाला टाइम बताएगा, क्योंकि राहुल गांधी को हम लोग प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। ठीक है, उससे बेहतर है प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन आप सोचिए कि ऐसी महामारी विपदा के टाइम आप अगर मन की बात में ऐसी बातें करेंगे जो हमारे देश में के, मतलब आप एक सोच सोचिए कि आप बिल्कुल हट रहे हैं। स्वास्थ्य पर बात करनी चाहिए थी आपको, शिक्षा पर बात करनी चाहिए थी, बिहार में बाढ़ आई हुई है उस पर बात करनी चाहिए थी आपको, दवाइयों पर बात करनी चाहिए थी, रोजगार पर बात करनी चाहिए थी। लेकिन कई लोगों को वो भी बुरा लगा है मैंने जो बताया है सच उसमें। तो बेवकूफों, तुम्हारे मान लेने से ये देश कभी आगे नहीं चलेगा। मैं भी जानता हूं कि डिसलाइक से आपकी सरकार या किसी भी सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन जेपी आंदोलन को कभी मत भूलना। इंदिरा गांधी को उठा के फेंक दिया था नीचे, मतलब राजगद्दी से फेंक दिया था, नीचे उतार दिया था। ये जनता है, आपको बना भी सकती है तो मिटा भी सकती है। और दिल्ली में भी आपने देख लिया ये हालत कि ना वहां पैसा राजा है ना पावर राजा ही, तो जनता। और आप सोचिए 1947 में देख लीजिए हम आजाद हुए, उससे पहले आप जितने भी आंदोलन देखिए, अंग्रेजों ने भी हर तरह से संभव कोशिश की थी। तो सच्चाई कम से कम जो है उससे हकीकत कीजिए, वही हाल है, थोड़ी बातें ज्यादा हो जाती हैं लेकिन हकीकत वही है कि वो आप पढ़ रहे हैं, चलिए आपके माँ बाप जो भी पढ़ा रहा है आपको, घर से बाहर भेजे हुए, आप उनसे बोलते रहिए, झूठ बोलते रहिए, पैसा आपको देते रहेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि कितने दिन आप माँ बाप को परेशान करोगे, एक दिन इनका भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। 10 साल आपकी मदद कर देंगे, 20 साल मदद कर देंगे, 30 साल मदद कर देंगे, लेकिन जिंदगी तो असली आपको ही जीनी है। ये तो माँ बाप की थी, वो जल आपको एक तरह से जिंदगी दे रहे थे कि लीजिए खाइए खाइए मिठाई। तो हकीकत बदल नहीं सकती है, ना हमारे कुछ कहने से ना आपके कुछ कहने से। अभी आप देख रहे हैं कि दवाइयों के मामले में लीजिए, टीका के मामले में हम पिछड़ते दिख रहे हैं, हम अर्थव्यवस्था के मामले में पिछड़ते दिख रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हाँ कोरोना महामारी इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन एकमात्र कारण ना तो भगवान जिम्मेदार है ना ही कोरोना महामारी जिम्मेदार है, समझ रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, अगर किसी देश को अगर विकासशील बना विकसित बनाना है, विकासशील से ताकतवर बनाना है, दुनिया की महाशक्ति बनाना है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था सही करनी होगी, हमें रोजगार देने होंगे। ठीक है, बाकी आपकी अंधभक्ति है, मैं किसी की अंधभक्ति में मुझे नहीं लेना देना। देखिए मैं तो स्टूडेंट, अगर आपसे भी यही कहूंगा स्टूडेंटों से सबसे, कि आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए तो वो सरकार ठीक है जो आपके लिए रोजगार दे सके,
आपके लिए शिक्षा व्यवस्था दे सके, आपके परिवार की सुरक्षा कर सके, आपके लिए एक तरह से आपके लिए अच्छी व्यवस्था आपके लिए जो भी रहे आपको लेकर चले साथ में, सीधा सा कहने का मतलब। 2014 में जब सरकार आई नई तो देखा आपने सभी देशों से संबंध सुधरे, तब हम लोग ही, आपने देखा होगा कि अभी तुम क्या जानते हो प्रधानमंत्री के बारे में, इसीलिए मैंने बायोग्राफी उनकी कवर की हुई है। प्रधानमंत्री ने जो जो काम किए हैं उनके हम लोगों ने पूरी लिस्ट दी हुई, बड़े विस्तार से बताया हुआ है। तो मतलब तुम एक एंगल देख लेते हो, लेकिन हम हर एंगल को देखकर बात करते हैं। तो अभी कोरोना महामारी की वैक्सीन आप देख रहे हैं कि हम काफी देशों से पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हमें अगर शिक्षा में हम लोग आगे होते, स्वास्थ्य में आगे होते, तो आप सोचिए एक व्यक्ति को आप लोग मदद कर दीजिए, आप हर महीने 5-6 हजार रुपया देते रहिए, वो ना पड़ेगा, वो घर में बैठ के काम करते रहे, खाता रहेगा, एक तरह से उसे शिक्षा दीजिए आप लोग, बेहतर स्वास्थ्य दीजिए, वो अपने पैर पर भी खड़ा हो जाएगा और देश की विकास में भी योगदान देगा। वही कहावत है ना ये, कि वो मछली पकड़, आप या तो मछली पकड़ कर किसी व्यक्ति को दे दीजिए या फिर आप उसे मछली पकड़ना सिखा दीजिए। तो मुझे लगता है कि मछली पकड़ना सिखा दीजिए, हो सकता है कि 1-2 दिन आप उसे दे पाए इस तरह की व्यवस्था, लेकिन अगर आप उसे सिखा देते हैं तो अपनी जिंदगी भर वो अपना काम चलाता रहेगा, और अपना छोड़िए वो अपने परिवार का और दूसरे दो लोगों तक भी पहुंचा पाएगा। तो ये हाल है। चलिए वैक्सीन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आप सभी के मन में भी और दुनिया के मन में भी यही है कि कब आएगी वैक्सीन, कब मिले हमारे पास। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की बात की जा रही है, पूरी दुनिया में COVID-19 के लिए 40 से अधिक संभावित टीकों का विकास किया जा रहा है। इनमें चाइना सिनोबेक में एक निष्क्रिय टीके का विकास किया जा रहा है, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड एक रसायन के साथ निष्क्रिय COVID-19 वायरस का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा DNA, RNA, वायरल वेक्टर आदि से कई अन्य संभावित टीकों का भी विकास किया जा रहा है। महामारी के दौरान उसी वर्ष या अगले वर्ष टीके की उम्मीद की जा रही है, और इसको लेकर प्रौद्योगिकी शक्ति, मानवीय आशा और मीडिया प्रचार में एक अभूतपूर्व उन्माद दिख रहा है। एक बात याद रखिए, लेकिन बहुत जल्दी मिल जाएगी हमें वैक्सीन, इतना क्लियर है। एक बात और याद रखिए, आपने देखा है कि हमारी GDP, आपने देखा है कि 23.9% गिरी हुई है, चाइना की एकमात्र आपने देखा है GDP है जो बड़ी है, 3 पॉइंट प्लस बड़ी है उसकी GDP। एक मतलब अवसर की तरह लिया है उसने कोरोना महामारी को, यानी कि सब घाटे में जा रहे हैं और वो प्लस में जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात की जा रही है, तो वैसे तो संगठनों को हम लोग कवर कर चुके हैं, आपकी सिविल सर्विस को ध्यान में रखते हुए, तो महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसमें डले हुए हैं। लेकिन अभी यहाँ बता देता हूँ सामान्य जानकारी, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसका मुख्यालय आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। और दूसरी बात याद रखिए, 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, हालांकि वैक्सीन बनाने की दिशा में काफी तेजी से सभी देशों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर काफी सारी चिंताएं भी उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही हैं, जो कि निम्न है। सबसे पहली चिंता वैक्सीन बनाने की होड़ में क्लिनिकल ट्रायल को जल्दी से जल्द पूरा करने में कहीं ना कहीं सुरक्षा मानकों की अनदेखी होगी। एक तरह से आप कहिए कि वही आपने एक कहावत सुनी होगी कि अगर आपको महल बनाना है तो टाइम लगेगा और झोपड़ी बनाना है तो आप जल्दी कर सकते हैं। तो ये भी देखा जा रहा है कि जल्दी जल्दी में वैक्सीन बनाई जा रही है, लेकिन उसका जो ट्रायल होना चाहिए था, यानी कि क्रम में चलना चाहिए था, उन मानकों को अनदेखा किया जा रहा है। रूस में भी आपने देखा है, रूस ने वैक्सीन की बोल दिया है, लेकिन अधिकतर देश उसकी वैक्सीन पर चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि भरोसा नहीं है। WHO की ने कहा, कुछ नहीं कहा है, आपने देखा है, क्योंकि WHO को भी कम ही भरोसा है उस पर, वरना रूस ने आपने देखा है कि कहा है कि हमने टीका बना लिया है या वैक्सीन बना ली। वैक्सीन राष्ट्रवाद के कारण अधिकांश देशों के द्वारा सबसे पहले वैक्सीन को अपने देश के यहाँ उपलब्ध करवाने हेतु अग्रिम समझौते कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं COVID-19 का सार्वभौमिक टीकाकरण की राय में अवरोधक बनकर गरीब देश के लोगों को टीका के उपलब्धि में चुनौती प्रस्तुत करेंगे। एक समय आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ से भी डोनाल्ड ट्रंप ने, जब हमारे यहाँ कहा गया कि एक कोई वैक्सीन है उसे कोरोना पर काफी प्रभावकारी दिख रही है,
तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी थी कि हमें पहले चाहिए। तो अभी भी देखा गया है कि कई देशों से डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता कर लिया है कि सबसे पहले हमारे देश के नागरिकों को वैक्सीन चाहिए। तो आप देखिए, गरीब जो अफ्रीका महाद्वीप के कुछ गरीब देश हैं और बाकी जो भी देश हैं, इनको मुसीबत रहेगी इनके सामने। एक सोचिए आप लोग कि आप ही के देश में कहा जाए कि वैक्सीन आ चुकी है, 1 लाख रुपए की मिलेगी एक टैबलेट आपको, तो अमीर व्यक्ति तो आराम से खरीद लेंगे क्योंकि उनके पास पैसा है। लेकिन हमारे देश में देखते हैं कि कितनी गरीबी है, किसी के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं, वो कैसे खरीद पाएगा? तो उसको भी ध्यान में रखना होगा हमें। तो यही समस्या देखी जा रही है। एक बात और बताऊं आपको, कई लोगों ने कहा है कि प्राइवेटेशन जो रेलवे को दे रहे हैं सरकार या किसी भी को दे रहे हैं, इससे काफी फायदा होगा। मैं मानता हूं कि फायदा होता है इससे, लेकिन हम उस स्थिति में नहीं है कि फायदा उठा सकें। रेलवे का प्राइवेटेशन करने का मतलब है कि जनता पर बोझ पड़ना। व्यवस्थाएं ठीक मिलेंगी, लेकिन आप खुद सोचिए कि 100 अभी 5 रुपये 10 रुपये का रेलवे स्टेशन टिकट है, मान लीजिए आप, ठीक है। अगर आगे आप सोचिए कि आप वहां कुछ भी व्यवस्था की कर दीजिए, VIP, लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसी जनता रहती है गरीब, जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, वो कहाँ 50 रुपये का टिकट खरीद पाएगी? वो तो उससे तो बेहतर रहेगा कि व्यवस्थाएं खराब रहिए, चाहे 5 रुपये का टिकट भले दीजिए। समझ रहे हैं आप लोग? अभी भी देखते हैं आप लोग कि प्राइवेट बस चलती हैं, उसमें VIP सुविधा मिलती है। आप देखते हैं कि आपको पानी की सुविधा पूछी जाएगी, खाने की व्यवस्था पूछी जाएगी। वहीं लोग सरकारी बस में जाना पसंद करते हैं क्योंकि वो सरकारी है और कम किराया है उसमें। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम लोग अफोर्ड कर पाए हर सुविधा को। तो इसे देखकर हम लोग अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचे कि हम प्राइवेटेशन को झेल सके। मेरा कहने का मतलब ये है, समझ रहे हैं आप लोग? या तो गरीबी हट जाए, काफी हद तक सभी लोग एक मतलब काफी उनके पास आय होने लगी, तब हमारे देश में हो सकता है और हम काफी आगे इसकी मदद से बढ़ सकते हैं। COVID-19 का टीका बन जाता है एवं सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में सारे देश एक निर्णायक समझौते पर पहुंच भी जाएंगे, तो इतनी मात्रा में टीकों का निर्माण कैसे होगा? दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो सार्वभौमिक टीकाकरण को उपलब्ध करवाने हेतु निर्माण संबंधी क्षमता संवर्धन भी एक प्रमुख चुनौती है अभी, यानी कि इसकी दवाइयों की बनाने की बात की जा रही है, उत्पादन की। COVID-19 टीका के तैयार होने पर इसके वितरण से एक गंभीर चुनौती यह भी होगी कि सबसे पहले टीकाकरण किसका किया जाए। इस पर भी कई देशों ने कहा है कि अपने हिसाब से अपनी अपनी नीतियां बनाएंगे, ठीक है। लेकिन हम सभी का मानना है कि सबसे पहले यानी कि डॉक्टर हैं उन्हें देना चाहिए, फिर आपकी जो सिक्योरिटी फोर्स है, जो भी है इस तरह की मदद कर रहा है उन्हें, जो भी इसमें काम रोकने के लिए हर तरह से संभव मदद दे रहा है, उनके लिए पहले लगना चाहिए। और जो पूरे व्यक्ति हैं, यानी कि कई आप लोग 50 से ऊपर हैं, सबसे पहले उन्हें ही देना चाहिए, उन लोगों को भी, क्योंकि आपने देखा है सबसे ज्यादा प्रभाव उन्हीं पर देखा जा रहा है। टीका के विकास में लगने वाली वास्तविक समय की अगर बात करें, हकीकत क्या है कि कितने सालों में एक टीका आता है यानी कि वैक्सीन बन सकती है? टीका विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है जिसमें कभी भी कभी 10 से 15 वर्ष लग जाती। कितने? कोई बीमारी है आपकी, ठीक है, उसके लिए अगर टीका वैक्सीन बनाने की बात करूं तो कभी कभी 10 से 15 साल भी लग जाते हैं। और अभी तो आप सोच रहे हैं कि 1 से 1.5 साल नहीं हुआ, 1 साल हुआ नहीं हुआ पूरा आपका कोरोना महामारी को। लेकिन हाँ, यह है कि पूरा विश्व इससे प्रभावित है, तो जल्दी आपका टीका आने की संभावना है क्योंकि हर देश लगा हुआ है, इस पर काम कर रहा है। टीका विकास और परीक्षण में प्रयास चरणों की एक मानकीकृत समुच्चय का अनुपालन किया जाता है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए सबसे पहले प्रयोगशालाओं में टीके विकसित करने में कई वर्षों का समय लगता है। फिर जानवरों मनुष्यों में परीक्षण के लिए स्थिर और अत्यधिक शुद्ध उत्पाद बनाने के लिए एक विनिर्माण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अंत में टीका बाजार में उतारा जाता है। कहने का मतलब है कि पहले आप देखिए, कोई भी अगर टीका आता है तो जानवरों पर लगाया जाएगा क्योंकि आप डायरेक्ट मनुष्य को नहीं दे सकते, समझ रहे हैं आप लोग? तो जानवरों के बाद कुछ व्यक्तियों पर लगाया जाएगा जो बीमार है, फिर देखेंगे कुछ हजार व्यक्तियों पर लगाए जाएंगे, फिर कुछ लाखों व्यक्तियों पर लगाए जाएंगे। इस तरह से आता है टीका, ठीक है। हालांकि COVID-19 के टीके का जानवरों में परीक्षण के बिना ही मनुष्य में तेजी से परीक्षण किया गया है, इसके बावजूद COVID-19 के टीके के क्लिनिकल ट्रायल में 1 से 2 वर्ष लग जाएंगे। कितना? ये मिनिमम टाइम की बता रहा हूं, 1 से 2 वर्ष। कम से कम आप
15 से 18 महीने तो आराम से मान सकते हैं इसे, ठीक है। COVID-19 और वैक्सीन राष्ट्रवाद। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुख्य वैज्ञानिकों ने COVID-19 के टीके के विकास और वितरण के लिए राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के बजाय एक बहुपक्षीय या फिर वैश्विक दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता पर जोर भी दिया है। वस्तुतः जब कोई देश सिर्फ अपने नागरिकों या फिर अपने यहाँ रहने वाले लोगों के लिए वैक्सीन डोज सुरक्षित करने की कोशिश करता है तो इसे वैक्सीन राष्ट्रवाद नाम दिया जाता है। क्या? वैक्सीन राष्ट्रवाद नाम देते हैं। ऐसी स्थिति तब होती है जब कोई देश वैक्सीन को अन्य देशों में उपलब्ध होने से पहले ही इन्हें अपने घरेलू बाजार और अपने नागरिकों के लिए एक तरह से रिजर्व करने की कोशिश करें। याद रखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में यूरोप राष्ट्रवाद का कैसे उदय हुआ है, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार में बात किया था आपका, तो NCERT की बुक्स जब कवर की थी। राष्ट्रवाद का सीधा सा मतलब रखिए कि एक जुड़ाव, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि संविधान हमारा एक तरह से हमें जोड़े रखे हुए, हमारा जो झंडा है राष्ट्रीय ध्वज, ये हम लोगों को जोड़े रखे हुए। आप सोचिए, संविधान ना होता और झंडा इस तरह की कोई वैल्यू ना होती इनकी, तो आप सोचिए दक्षिण भारत के राज्य अलग हो जाते, उत्तर भारत के राज्य अलग हो जाते, भारत कई तरह कई टुकड़ों में बट जाता। तो हमारे संविधान इस तरह से बनाया गया है कि जो एक तरह से सबको साथ लेके चल रहा है, ठीक है। इसके लिए संबंधित देश की सरकार वैक्सीन उत्पादक के साथ उत्पादन से पहले ही खरीद का समझौता कर लेती है। कई देश आप देख भी रहे हैं, कई देशों में सरकारी और निजी स्तर पर कोरोना वैक्सीन बनाने की कोशिश चल रही है और कुछ शुरुआती स्तर पर ह्यूमन ट्रायल चल रहा है जो किसी का फाइनल स्टेज में, लेकिन अभी से अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी जैसे अमीर देश वैक्सीन उत्पादकों के साथ प्री परचेज एग्रीमेंट कर चुके हैं। अब इसे आप लोग सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि चलिए मान लेते हैं कि आपके यहाँ कोई डॉक्टर इस तरह की कोई वैज्ञानिक दवाई बना चुका है, तो आप उससे ही बनने से पहले ही यानी कि फाइनल रिजल्ट आने से ही पहले आप लोगों ने उससे समझौता कर लिया कि सबसे पहले हमें देंगे आप लोग इतनी डोज, तो आप सोचिए गरीबों का क्या होगा, जिनकी वहां तक पहुंच नहीं है उनका क्या होगा। तो ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी इन जैसे कई देशों ने एग्रीमेंट कर लिया एक तरह से। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि इस तरह के प्री परचेज एग्रीमेंट से कोरोना की वैक्सीन सबकी पहुंच से बाहर हो सकती है। इस तरह के उत्पादन पूर्व समझौते कोरोना वैक्सीन को गरीब देशों की पहुंच से दूर कर देंगे, साथ ही इनकी कीमत भी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि सभी इन्हें खरीद भी नहीं पाएंगे। आगे की राय क्या हो सकती है? बन किसी भी देश के लिए, सॉरी माफ करिए, चुनौतियां कभी कभी आई है। IAS का आर्टिकल देखता हूँ, उसमें ऐसे आर्टिकल बीच में कुछ ऐसे शब्द डाल दिए जाते हैं जो इस बिल्कुल मतलब इससे कहीं दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं होता है। देखिए आप लोग यहाँ चलिए आगे बात करते हैं। COVID-19 के संदर्भ में सार्वभौमिक टीकाकरण की चुनौतियों की अगर बात करें तो कोरोना महामारी यानी कि कोरोना वायरस की वैक्सीन के कारण विकास को लेकर सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद WHO इसका स्वागत किया है। WHO का मानना है कि कोई भी सफल वैक्सीन सबको मिलनी चाहिए, लेकिन कई देश वैक्सीन बनाने की दिशा में से एक वैश्विक सार्वजनिक सेवा के रूप में देख रहे हैं, वही कुछ देश उल्टी दिशा में जा रहे हैं। कहने का मतलब वैश्विक सार्वजनिक सेवा की बात कि सबको सस्ती दर पर उपलब्ध कराएंगे। कई कंपनियां तो ऐसी भी हैं कह चुकी हैं कि हम फ्री में देंगे और कई कह रहे हैं कि हम बनाएंगे तो इस पर पैसा लेंगे, तो देखे जाएगा। अगर वैक्सीन वितरण को लेकर आम सहमति नहीं होगी तो यह उन्हें ही उपलब्ध हो पाएगी जिनके पास पैसा होगा। इसको लेने की जिनमें क्षमता नहीं होगी उनको वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। आप अपने ही देश में देख लीजिए कि अगर भारत सरकार सस्ते रेट पर नहीं उपलब्ध कराती है और भारत सरकार कुछ हस्तक्षेप नहीं करवाती है तो अमीर अमीर खरीद लेंगे इसे और गरीबों के पास इस तरह की सुविधा नहीं होगी। कोई भी वैक्सीन कोरोना के इलाज में सफल साबित होती है तो विश्व भर में इसकी कई बिलियन डोज की आवश्यकता होगी। अगर एक इंसान में वैक्सीन के दो डोज की जरूरत महसूस होती है तो आवश्यक डोज की मात्रा दोगुनी हो जाएगी। ऐसे में वैक्सीन की मांग ज्यादा बढ़ जाएगी और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां इसका लाभ लेने का प्रयास भी कर सकती हैं।
जिससे वैक्सीन की कीमत बढ़ सकती है और गरीबों के लिए इसकी उपलब्धता घट सकती है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हर देश की अपनी जनता के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और वे अपने देश की जनता के लिए सबसे पहले वैक्सीन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहेंगे। रूस को देख लीजिए आप लोग, चाइना को देख लीजिए, ये क्या करेंगे, ये अब सबसे पहले अपने ही देश के नागरिकों को दवाई देंगे। ठीक है, हमारे देश में देखेंगे आप लोग कि किस तरह से सरकार आने वाले टाइम में नीतियां बनाती है। ठीक है, उसी का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसका गरीब देशों पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमीर देश वैक्सीन के लिए अधिक कीमत देकर इसे प्रतिस्पर्धा में जीत जाएंगे। COVID-19 टीका को विकास करने के उपरांत बड़ी मात्रा में टीका का उत्पादन करना और इसकी सभी देशों में वितरण करना एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में बढ़ने हेतु बड़ी मात्रा में टीका का उत्पादन करना होगा। इसके लिए कच्चे सामग्री समेत व्यापक मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होगी। इसके लिए सभी हितधारकों को आपस में समन्वय स्थापित करना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। अब बात करते हैं सार्वभौमिक वैक्सीन वितरण के लिए कुछ उपाय। इसके लिए विश्व के बड़े देशों को आगे आकर एक ऐसे एग्रीमेंट, कन्वेंशन या फिर रेजुलेशन पर सहमति बनानी चाहिए जिसे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली से पारित किया जा सके। इससे सभी देशों को समान रूप से और जरूरतमंदों को पहले वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फॉवेक्स फैसिलिटी नाम का एक फार्मूला तैयार किया है जिसमें दुनिया के 75 देशों ने शामिल होने की इच्छा भी जाहिर की है। ये फार्मूला में अमीर और गरीब देशों के बीच भेद किए बिना ही विश्व के सभी देशों को जल्द पारदर्शी तरीके से एक बराबर मात्रा में वैक्सीन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की बात कही गई है। क्योंकि आप देखते हैं कि WHO कभी नहीं चाहेगा कि अमीर देशों के पास पहुंच जाए और गरीब देश रह जाए, वो बराबर का हक सबको देगा। अमेरिका, चीन, यूरोपियन यूनियन, भारत जैसे देशों को WHO के इस फार्मूले का समर्थन करना चाहिए। कोविड से फैसिलिटी का मुख्य उद्देश्य हर देश की उस 20% आबादी को सबसे पहले वैक्सीनेट करने की है जिनको कोरोना की चपेट में आने का सबसे ज्यादा खतरा है। महामारी संबंधी तैयारियों के नवाचार के गठबंधन, टीके और रोग प्रतिरक्षण के वैश्विक गठबंधन और WHO के साथ सिविल सोसाइटी और सामुदायिक संगठनों की प्रतिनिधियों को भी कोवैक्स में सहभागिता करनी चाहिए, जिससे ये क्या होगा कि एक कड़ी बनी रहेगी। ठीक है, और सब तक आसानी से पहुंच जाएगा। सिविल सोसाइटी और सामुदायिक संगठन कोवैक्स पहल के विकास और कार्यान्वयन के साथ साथ सफल वैक्सीन के वितरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। COVID-19 के विरुद्ध सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में आगे बढ़ने हेतु ग्लोबल वैक्सीन अलायंस जैसी संस्थाओं को जोड़ा जा सकता है और इनकी कुशल नेटवर्क एवं अनुभव का प्रयोग करके सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में सफलता भी हासिल की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए है ए, टीका विकास में भारत की स्थिति कहाँ पहुंची, यानी कि हम कहाँ हैं। COVID-19 के वैक्सीन के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय संबंधी सहायता भी उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही जल्द ही टीका को लॉन्च करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश एवं अपेक्षित सहयोग प्रदान करने के लिए आश्वासन भी दिया गया है। भारत में 3 संभावित टीकों का विकास काफी तेजी से हो रहा है। इसमें आपका हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा एक निष्क्रिय कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार की गई है। परीक्षण के दौरान इसे प्रयोगशाला में जानवरों, मनुष्यों में इम्यूनोजेनिक जेनिक एंटी कोरोना वायरस एंटीबॉडी बनाता है को सुरक्षित पाया गया है। चरण 2 के परीक्षण से इसकी पुष्टि के बाद चरण 3 COVID-19 के भारत में टीका वितरण के खिलाफ टीके की सुरक्षा और प्रभावकारिता का आकलन किया जाएगा, यानी कि 2 चरण में ये सफल हो चुकी है, दूसरे चरण में चल रही है। ठीक है, उसके बाद 1 चरण और होगा, उसके बाद फाइनल देखा जाएगा। दूसरी अगर बात करें तो पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ट्रोजन हॉर्स अप्रोच का उपयोग कर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्रोजेनेका के टीके का परीक्षण किया है जिसमें कोरोना वायरस स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन जीन के साथ चिंपांजी एडिनो वायरस टाइप 5 का इस्तेमाल किया गया। भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुसंधान सहायता या फिर अग्रिम खरीद अनुबंध के बिना ही दोनों कंपनियों ने भारी निवेश किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यूनाइटेड किंगडम
और भारत में विनियामक मंजूरी के बाद वैक्सीन उत्पादन को बढ़ाने के लिए तैयार है। भारत का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए एक वैक्सीन वितरण मंच है आपका। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और राज्य सरकारों द्वारा इसे लागू किया जाता है, लेकिन COVID-19 वैक्सीन सभी आयु समूह के लिए है, अतः इसके लिए नए तरह के कार्यक्रम को चलाए जाने की आवश्यकता होगी, जिसमें जरूरत के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाए। तो यह है भारत की स्थिति, हमारी इंडिया की स्थिति। लास्ट में आगे देख लेते हैं, COVID-19 वायरस के दुष्प्रभावों से कमोबेश प्रत्येक देश प्रभावित है, यानी कि कोई भी देश नहीं है ऐसा कि जो छूटा हो इससे। इस आपदा से निपटने हेतु सभी देशों को आगे आना होगा और सभी देश एक दूसरे को तकनीकी एवं आर्थिक मदद पहुंचा कर ही सभी देश इस आपदा से बाहर निकल पाएंगे। इस आपदा को दूर करने हेतु सभी देशों को संकुचित दृष्टिकोण को छोड़कर सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में आगे आना होगा एवं सभी हितधारकों को आपस में सहयोग के द्वारा हर एक व्यक्ति को टीका तक की पहुंच को सुनिश्चित करना होगा। इस दिशा में वैक्सीन क्षेत्र में काम कर रहे शीर्ष संस्थाओं ग्लोबल वैक्सीन अलायंस, रोटरी क्लब, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन इत्यादि संस्थाओं को शामिल करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास भी किया जाना चाहिए। इसके साथ ही वैक्सीन के निर्माण से जुड़ी चिंताओं को भी प्रमुखता से हल किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वैक्सीन निर्माण में जरा सी चूक से मानवीय स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम के बढ़ जाने की संभावना होगी। अतः वैक्सीन से जुड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल को पालन करते हुए सतर्कता से वैक्सीन निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना होगा। जल्दी का काम एक तरह से आप कहते हैं शैतान का है, तो हमें बड़े सहूलियत से देखना होगा कि कोई नुकसान ना हो। भारत अनुसंधान और विकास के अलावा टीकों के विनिर्माण और वितरण में भी एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। भारत को अपने वैक्सीन निर्माण क्षमता को तेजी से बढ़ाकर वैश्विक वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला में अपनी महती भूमिका निभा सकता है, जिससे भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में न केवल स्थिति महसूस होगी बल्कि दवाओं के निर्माण में एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में अपनी सुनिश्चित कर सकेगा। एक बात और याद रखिए, हमारे यहाँ देखिए प्रोडक्शन में जो भी उत्पादन में लागत आएगी वो सस्ती रहती है, आप जानते हैं श्रम भी सस्ता है, हमारे यहाँ आसानी से सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और अगर हम लोग वैक्सीन बना लेते हैं तो आप इतना सोचिए कि हम लोग एक महाशक्ति बन सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि आप जितने देशों की मदद करेंगे वो आप उसके साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। और एक तरह से नाम भी तो होता है कि हाँ उसने किया है ये काम, आप अपनी जिंदगी में भी तो देखते रहते हैं, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। और वैसे भी अगर कोई देश कंपनी कहीं लगाएगा, देखिए कच्चे माल की व्यवस्था होगी, तो भारत में सब कुछ सुविधा उपलब्ध है। भारत और चाइना तो देखते हैं, चाइना में आप देखते थे कि सबसे ज्यादा कंपनियां जाती थी, लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है, लेकिन उस हिसाब से भारत में भी विदेशी कंपनियां निवेश नहीं कर रही। कुछ हमारे यहाँ समस्या है, एक कानून की समस्या हो गई, भूमि की समस्या हो गई, जिससे कोई भी कंपनी आने से यहाँ डरती है, समझ रहे। चलिए जो है, लेकिन हाँ टीका बहुत जल्दी या वैक्सीन आ जाएगी आपकी, तब तक आपको क्या करना है, अपना ख्याल रखना है और अपने परिवार का ख्याल रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। जब भी जाइएगा अपनी पूरी सुरक्षा के साथ जाया करिएगा, और आया करिएगा तब भी आप लोग बड़ी सुरक्षा के साथ घर में जाया करिएगा, क्योंकि आपके बच्चे रहते हैं घर में, परिवार रहता है, ठीक है।